गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद हम लाइव आए हैं और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से मथुरा, मेरठ से मथुरा। तो सुबह सुबह मैं अकेला ही जा रहा हूँ आज तो, और आपको मथुरा की जर्नी कराएंगे कैसा मथुरा रहता है। अभी मैं खड़ा हूँ फिलहाल मेरठ स्टेशन पर, मेरठ सिटी स्टेशन पर, और हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। वैसे तो बज रहे हैं अभी 9:45 बज रहे हैं, हमारी 9:30 बजे की ट्रेन की टिकट है, और 9:30 बजे की ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। और हमारी ट्रेन का नाम है अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस। तो सही है, मैंने एसी की टिकट बुक कराई है, एसी वाली, आराम से सफ़र करेंगे। और बहुत टाइम हो गया था ट्रेन में बैठे हुए, तो ट्रेन का भी मज़े लेंगे, ट्रेन का भी सफ़र करेंगे। वैसे तो हम कारों पे सफ़र करते हैं, लेकिन जब अकेला जाना जा रहा हो तो फिर ट्रेन पे ही सही रहता है। तो आज मेरा बड़ा मन था वृंदावन जाने का, तो मैंने कहा चलो वृंदावन भी चलते हैं और बाकी सबको एक्सप्लोर कराएंगे। तो यहाँ से हम पहले पहुँचेंगे मथुरा, 9 बजे ट्रेन है, 1 बजे तक हमारे को मथुरा पहुँचा देगी। जैसे कि यहाँ पे आधा घंटा लेट है, तो आधा घंटा लेट ही अगर पहुँचाएगी तो देखी जाएगी। बाकी देखो, यहाँ पिछली बार आया था यहाँ पे वंदे भारत खड़ी हुई थी, लेकिन अब नहीं है इस टाइम पे। तो चलो इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, फिर आपको मिलाते हैं। चलो जी, हमारी ट्रेन आ चुकी है, आधा घंटा ये लेट हुई है, और आधा घंटा मुझे ऐसे लगा 1 घंटे के बराबर। तो चलो हम अपने स्टेशन के उस पे नंबर पे खड़े हैं, B3 हमारा नंबर है। तो देखते हैं कितना आगे जाना पड़ेगा, वैसे ट्रेन तो आ गई है। चलो सफ़र अपना करते हैं शुरू। चलो गाइज, हमारी ट्रेन निकल चुकी है मेरठ से और हमारा सफर शुरू हो चुका है। और पहली बारी मैं एसी की ट्रेन स्टेशन पे एसी वाली उसमें बैठा हूँ। वैसे तो हम नॉर्मल उसमें बैठते ही रहते हैं, लेकिन चलो आज एक्सपीरियंस करते हैं कैसा था एसी का। तो चलो साथ बनते हैं गाइज। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा, एंड यहां से अब हम जा रहे हैं वृंदावन के लिए, रिक्शा करेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ खाने के लिए, अगर यहां से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहां से वृंदावन का रिक्शा करके फिर सीधा चलेंगे। ट्रेन 1 घंटा लेट है, 1 बजे पहुँचनी थी, कितने बजे, 2 बजे पहुँची, 1 घंटा लेट हो गई। बाकी मथुरा हम पहुँच चुके हैं और चलते हैं बाहर, निकलते हैं फिर देखते हैं कैसे क्या क्या करना। ये हमारी ट्रेन थी। तो जी ये रहा मथुरा जंक्शन, और हम पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं। बड़ा लंबा है यार ये तो, दिल्ली को भी फेल कर रखा है इसने, हजरत निजामुद्दीन को भी फेल कर रखा है बाहर जाने का रास्ता। यही है, यही बस स्टैंड है। चलो जी, स्टेशन से बाहर तो हम निकल गए हैं, एंड ये एंट्रेंस बनी, बहुत ही बड़ा स्टेशन था। बाकी बाहर ये सारे ऑटो वगैरह खड़े हैं, तो देखते हैं यहाँ पे नहीं को कहेंगे सीधा वृंदावन चलते हैं, ऑटो से कर लेते हैं और वृंदावन चलते हैं। वैसे तो 2:30 बज गए हैं, ट्रेन भी इतनी लेट हो गई और भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले वृंदावन चलते हैं, उसके बाद ही कुछ होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद कुछ खा खू के फिर उसके बाद जाएंगे हम 4 बजे इस्कॉन मंदिर। बाकी बिहारी जाएंगे कल हम, बाकी आज इस्कॉन मंदिर जाएंगे। तो चलो, तो गाइज मैंने यहाँ से कर लिया है ऑटो रिक्शा वृंदावन का, जिसने लिए 30 रुपये। तो चलो गाइज, मैं तो आ गया हूँ अपने आश्रम में, एंड यह कुछ ऐसा बना हुआ है आश्रम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एंड मेरा अब मैं दिखाता हूँ अपना रूम, तो चलो चलते हैं, जय श्री राधे। बहुत ही अच्छा रूम बना हुआ है, और लग ही नहीं रहा ये आश्रम है। ये देखो गाइज, ये हमारा रूम, साथ में टीवी, वाईफाई, एसी सब लगा हुआ है। साथ में इन्होंने कबर्ड भी दे रखी है, कबर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और सब सामान अपना वगैरह रख सकते हैं। अभी मैंने अपना रख दिया। बाकी ये है वॉशरूम, तो सब नीट एंड क्लीन है, वैसे तो बहुत बढ़िया, और एसी भी बढ़िया कूलिंग कर रहा है। तो हमने तो 2 दिन के लिए रहना है रूम में, तो कम ही रहना है। वैसे तो हमने रहना है ज़्यादातर मंदिर में, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अभी बज गए हैं 4, एक तो हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई ना गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है ट्रेन, 2:30 बजे ट्रेन पहुंची, फिर रूम लेते लेते पहुंचते पहुंचते 3 बज गए। तो फिर क्या करा, 3 क्या 3:30 4:30 हो गए। अब मंदिर भी खुल गए हैं, लेकिन अभी मैंने तक सुबह का कुछ भी नहीं खाया। मैंने फिर छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं, छोले भटूरे खाता हूँ और उसके बाद चलते हैं इस्कॉन मंदिर, फ्रेश होके इस्कॉन मंदिर, फिर रात को जाएंगे प्रेम मंदिर,
तो जितना आज कवर हो सकता है उतना करेंगे, फिर बाद में जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। तो यहाँ पे लोग बता रहे थे बांके बिहारी मंदिर में इतनी आजकल भीड़ नहीं है, तो सही है हमारे लिए, तो जल्दी अच्छे और खुले दर्शन हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था मैंने, अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं। सुबह 9 बजे का नहीं, 7 बजे का उठा हुआ मैं। जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था, रूम में दे जाएगा फटाफट, यहीं से खा के फिर हम चलेंगे इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर फिर। और मैं तो रेडी हो चुका हूँ, शाम के बज चुके हैं 5, थोड़ा बहुत रेस्ट करना था, सब कर लिया, छोले भटूरे मंगवाए थे वो भी खा लिए, अब हम तैयार हो चुके हैं। अब हम जाएंगे 2 मंदिर, एक तो जाएंगे पहले इस्कॉन टेम्पल और उसके बाद जाएंगे प्रेम मंदिर। तो पहले देखते हैं इस्कॉन मंदिर फटाफट पहले जाके और दर्शन करके आते हैं। तो चलो एसी वगैरह बंद कर देता हूँ। कि गाइज ये मैंने छोटा सा अपना बैग बना रखा है, इसके अंदर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कैरी कर लेता हूँ और आराम से इसी में ही सब कुछ हो जाता है। मैं तो इतना कुछ कैरी करता नहीं। और एक पावर बैंक रख लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो जाए तो इसका यूज़ सही रहता है। तो चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। यहाँ से करते हैं रिक्शा, बाकी हमारे भवन का नाम ये है, ऐसा कुछ भवन हमारा दिखता है, बाद में दिखाऊंगा, अभी तो मेरे को देर हो रही है और फॉरेनर्स वगैरह भी काफ़ी आए रहते हैं। तो चलो रिक्शा करते हैं। हाँ इस्कॉन कितने ज़्यादा मांग रहे हो? चलो जी, जब हम रिक्शे में बैठ चुके हैं और आपको कराते हैं इस्कॉन के दर्शन। तो पास में ही है वैसे तो यहाँ से, फिर भी रिक्शा कर लिया, थोड़ा सा पता चल जाएगा, आइडिया रहेगा। और प्रेमानंद महाराज जी का भी यहीं पर ही है, यहाँ पे परिक्रमा वगैरह करते हैं ना, तो उनकी भी यही रास्ता एरिया भी यही है। तो इस टाइम पे वृंदावन में रश कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इतना नहीं है। तो सही टाइम पे मैं तो निकल आया 5 बजे, और उसके बाद थोड़ा सा शाम को अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ जाएंगे प्रेम मंदिर, वहाँ की भी रौनक अच्छी लगती है। जी हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में एंड यहाँ पे ही चलते हैं फटाफट अंदर और दर्शन करते हैं कृष्ण जी के और बलराम जी के। तो चलो यहाँ पर चप्पल वगैरह यहीं उतारनी होती है, वो ये है कि मिक्स हो जाएगी, खोख आ जाएगी, तो थोड़ा आगे जाके ही उतार आता हूँ जिससे कि आसानी से मिल जाए, रश इतना नहीं है। फिर कि मुझे चप्पल मिल जाए यहाँ रख देता हूँ, कहीं मेरी चप्पल जाए ना, बाकी देखेंगे कोई हमारी ले जाएगा, हम किसी और की ले जाएंगे, कोई हमारी ले जाएगा हम किसी और की, देख लेंगे। तो चलो पहले दर्शन करके आते हैं। चप्पल ही सही रहती है, शूज़ नहीं मैं पहन के आया जान के, क्योंकि शूज़ उतारो बार बार तो दिक्कत ही होती है। तो चलो कितना सुंदर कृष्ण जी का बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है, अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यहाँ पे बेकरी वगैरह भी सब बनी हुई है, तो अगर आपने कुछ खाना है गोलगप्पे वगैरह स्नैक्स तो सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो अभी तो खाना नहीं है, पहले दर्शन करने चलते हैं और चलो। लाइन लगती है पूरी, यहाँ से ऊपर जाके हमें दर्शन करके और दूसरी तरफ से निकलना होता है। तो चलो वहाँ पे जाके हमें बोलना है हरे राम हरे कृष्णा, तो सही है, चलो चलते हैं।
यहाँ पे बिल्कुल भजन चल रहा है। बाकी पब्लिक बहुत आ रही है, यहाँ पे भजन चल रहा है साथ में। यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट इधर से होनी है, लेकिन हम इधर से भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है गाइस, बहुत ही सुंदर। और सारे हम दर्शन करके आ चुके हैं, बाकी इधर शायद प्राधिकरण हमारा चल रही है, तो देखते हैं इधर क्या है। मैं तो बहुत देर बैठ के आया हूँ, कम से कम आधा घंटा मैं बैठ लिया ऊपर। यहाँ पे ऊपर जाके ना नाम जपते हैं, मुझे पता नहीं था, मैं चला गया तो यहाँ पे था 108 बार हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे का नाम जप करना है, तब जाके पूरा कम से कम 108 बार करते हैं तब जाके नीचे आते हैं। तो हम ऊपर चले गए, मुझे पता नहीं था, फिर हमें 108 बार का नाम जप करके फिर ही आए नीचे। तो बाकी यहाँ पे है गिफ्ट वगैरह की शॉप बनी हुई है, जैसे दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल है, इसी की कॉपी, मतलब सेम ही है, मतलब ये ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये ओरिजिनल इस्कॉन टेम्पल है। चलो जी अब चलते हैं घर, लेकिन ये म्यूजियम देख लेते हैं, म्यूजियम बहुत सुंदर बना हुआ है, तो चलो म्यूजियम देख के आते हैं। तो फिर वाओ, राधा कृष्ण जी की फोटो देखो गाइस, ये देखो, ओहो वाओ, बहुत सुंदर। ये देखो गाइस कितना सुंदर म्यूजियम बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल के अंदर, और कितनी सुंदर कृष्ण एंड राधा कृष्ण जी की बनी हुई है, और बहुत सारी इनकी बनी हुई है परिक्रमा। गाइस ये देखो, ये गोल गोल ये अर्थ बनी हुई है, और ये साथ में धीरे धीरे घूम भी रही है, पता भी नहीं चलेगा। देखो कैसे कितनी धीरे 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 लग रही है, घूम रही है, और सारी की सारी फोटोज इतनी रियल लग रही है ना, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा सिनेमैटिक। ये देखो कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, और ये लक्ष्मी जी बने हुए हैं, और साथ में ये श्री नारद जी एंड श्री वास्या जी, देखो कितनी सुंदर। और ये बिल्कुल रियल, इनमें फ्लेम लगा रखे बिल्कुल ऐसे जैसे रियल में जल रही हो, इतना बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। और ये हमारे वो हैं प्रभु, जो प्रभु जी हैं वो इंडिया जब लीव कर रहे थे, छोड़ रहे थे, तब भी है, इन्होंने भी एक एक वो मतलब स्टोरी बता रखे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और साथ में लिखा हुआ भी, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लेना। बाकी ये सारे भजन वगजन प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, और सारे फिर डांस कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये देखो ये कितनी सुंदर है, ये अर्थ साथ में हिल रही है, साथ में गोल गोल घूम भी रही है, वो भी बता रखा है। कितना सुंदर बना रखा है, देखो कितना रियल, ये काव देखो गाइस कितनी सुंदर काव बना रखी है, वाह। चलो बहुत बढ़िया, इस्कॉन मंदिर में पहले नहीं था ये, अब बना है तो सही है। चलो चलते हैं, बस इस म्यूजियम में इतना ही था, और अब चलते हैं बाहर, सारे ही घूम लिया मैंने, आपको सारा को सारा इस्कॉन मंदिर दिखा दिया A to Z। तो अब चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर, मैं ये वो वाला नाम जप वाला कह रहा था ना, ये है यहाँ पे जाके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ तो यहाँ पे नाम जप करना है 108 बार, फिर वो नीचे आने देते हैं, वो आने ही नहीं देते। तो चलते हैं बाहर, चलते हैं अब प्रेम मंदिर, कुछ खा लें, वैसे भूख तो है नहीं। ऐसा सेम बिल्कुल इस वहाँ बना हुआ, क्या कहते हैं इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में, यहाँ गोलगप्पे वगैरह भी मिल जाएंगे, वाटरमेलन फ्रूट्स कुछ भी ले लो। ये देखो पानी पूरी, जूस काउंटर, और क्या कहते हैं स्नैक्स प्रसाद, कुछ भी लेना है अपने यहाँ पे आके अपना ले सकते हो। तो मैं भी सोचता हूँ एक जूस का पी लेता हूँ, मैंने यहाँ से ले लिया जूस, और कूपन लेना पड़ता है यहाँ से, पहले कूपन ले लो फिर उसके बाद यहाँ पे आके आराम से जूस के, इनको कूपन दे दो अपना जूस बना देंगे बिल्कुल फ्रेश। तो प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो पीना भी चाहिए, तो यहाँ पे शोर बहुत होगा, माइक तो मैंने लगा नहीं रखा, तो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। लेकिन रौनक जो है वो बहुत है, बहुत बढ़िया रौनक है, इतनी भीड़ भी नहीं है, इतना रश भी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब सही आ सकते हैं, जिसे ज़्यादा रश पसंद नहीं है ना तो वो आराम से इस टाइम पे आ सकता है। गिफ्ट शॉप भी बनी हुई है, तो चलो गिफ्ट शॉप भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो, पहले जूस पी लेते हैं। चलो जी इस्कॉन टेम्पल का जूस पीते हैं, चलो जी इस्कॉन टेम्पल का मौसमी का जूस पीते हैं और बताते हैं कैसा है।
वैसे तो प्रसाद प्रसाद ही है एक तरीके का, मीठा है, बहुत मीठा, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा है और मज़ेदार है। बाकी रश होने लग गया, पब्लिक स्टैंड पे आने लग गई है और अब इसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे, कहते हैं प्रेम मंदिर। तो चलो पैसे फटाफट निपटाते हैं और प्रेम मंदिर की तैयारी करते हैं, प्रेम मंदिर निकलते हैं। चलो भाई अब निकलते हैं बाहर, देखते हैं चप्पल मिलती है नहीं। एग्जिट हमारी इधर से है, उधर से नहीं थी, उधर से एंट्री थी। देखो अब हमारी चप्पल मिलती है या नहीं, मुझे तो यकीन है कि मिल जाएगी, बाकी देखते हैं। ये एग्जिट बना हुआ है, यहाँ से हम पीछे से एग्जिट हो सकते हैं। खिचड़ी का प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे, सेम जो वहाँ पे भी मिलता था, लेकिन अभी मैं तो मुस्लिम मंदिर जाऊँगा, अभी मैंने पहले ही खा लिया, उस टाइम पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो चलो तो गाइस चप्पल तो मिल गई, कहीं भी नहीं गई, वैसे की वैसी थी। देखो मुझे लगा नहीं था कि वैसे की वैसी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मिल गई। चलो चलते हैं प्रेम मंदिर, रिक्शा करते हैं, सीधा निकलते हैं प्रेम मंदिर। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना लोग को ये ऐड कर देते हैं, फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, वो तो बहुत खींचा है जरा मेरा भी है ना, तो बहुत खींचा है। तो चलते हैं लेकिन चाहते हैं तो वही करेंगे, आप करेंगे तब तक के लिए आपको करते हैं इसको करते हैं। प्रेम मंदिर कितने बस मैं, अरे भाई नहीं है, 10 रुपए सारे लेते हैं यार यहाँ से, गेट तक जाएगा तो तब भी, गेट तक जाएगा तब भी 20 ले लियो, 40 दे देना, नहीं 20 लेगा तो